This is Channel. मेरे माँ बहन, हमने तीन दिन पहले ये प्रोग्राम रखने का सोचा। ज्यादा अखबार कॉलेजेस है, किसी ने नहीं रखा। फिर आखिर में हमारे खालिद भाई की और सोहेल की ये बात हुई कि हमको अपने को तो रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो हम उसको रखें। कमेटी क्यों रखें? आओ, मैं अवामी कमेटी हर वो प्रोग्राम करेंगी जो आप नहीं करेंगे। मुसलमानों के लिए जहां भी बेहतर काम रहेगा, मुसलमानों को जो फायदे का काम रहा हम करेंगे, चाहे वो अदबी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सामाजिक हो। अलहमदुल्ला हम तकरीबन 2 साल में 7-8 प्रोग्राम कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। हाँ, आप लोग करना है तो बिल्कुल करो, हम साथ देंगे आपके। अब ये मौलाना बैठे हैं, 3 तलाक के वक्त हमने ऐलान किया। जब मौलाना बोले कि पर्सनल लॉ का हक है, हम करते हैं तो हम उनको बोले आप करिए, हम आपका साथ। तो हमारा ये बोलना है, अगर आप भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अवामी कमेटी में माशाल्लाह वैसे लोग सक्षम लोग हैं, खालिद सैफुद्दीन, अबूबकर रहबर, सोहेल जकीउद्दीन, सक्षम लोग हैं जो कि हर 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 समाज हर 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 फील्ड में काम करेंगे। हम चाह रहे ये एक ऐसा स्टेज बने मुसलमानों के लिए जो हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे, हमारी जो दिलों की जो दिलों में जो हमारे पक्ता जो दिलों में हमारे जो आग रहती, जो हमारे खिलाफ नाइंसाफी होती, हमारे खिलाफ जुल्म होता, वो आज भी हम गवर्नमेंट हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद। और उर्दू की खिदमत हो, चाहे दीनी खिदमत हो, चाहे हमारे शहरियान की खिदमत हो, हम ये तो करते बैठेंगे। और आप लोग को तकलीफ हो रही तो बहुत, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। बस क्लियर बात बता रहा हूँ, मैं खालिद को इसलिए बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे निकल दूंगा इसे, खुद भी नहीं कर रहे, दूसरे जो कर रहे हैं उनको भी रोको। अरे भाई आप करो, हम आपका साथ ही इंशाल्लाह। बस यही दो लोग बोलता हूँ और प्रोग्राम का इत्तेफाक का ऐलान करता हूँ।